मांगेराम गुप्ता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात जी की आदरणीय मांगेराम जी ने, महावीर जी ने और पूरे परिवार ने जेजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये जिस बात को नहीं कहना चाह रहे थे, कई बार दादे की बात पोता भी कह सकता है, कोई नहीं, कोई खुल के कहो, पूरी स्टेट में ना केवल कम्युनिटी यानी व्यापारी कम्युनिटी में हमें फायदा मिलेगा इनका, बल्कि हम अपने दादा समान मांगेराम जी से आग्रह करेंगे कि वो पूरी स्टेट में जाएं। ये आज बीजेपी की पद व्यवस्था को बदलने का एक आंदोलन जिसमें आपके सानिध्य से इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। मांगेराम जी से मैं ये इसलिए आग्रह करूँगा, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी हेल्थ लिमिटेशन भी हैं, उसको हम मानते हैं, मगर जयप्रकाश नारायण ने जब उस आंदोलन को चलाया तो उनकी उम्र भी बहुत थी, मगर मेरी इतनी नहीं थी। मेरा आपका जो हौसला है, आपका जो जज्बा है, आज भी जो आपके विचार हैं उनमें वही ऊर्जा है, और पूरे प्रदेश में जब दुष्यंत के सिर पे हाथ रखकर और सही दिशा में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो पिछहत्तर पार नहीं, ये बीजेपी तो अब यमुना पार जाएगी और जेजेपी की सरकार बनेगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा प्रदेश में। परमात्मा का मालिक है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है वन बाय वन करके पूछो। महावीर को क्या टिकट का माना जाए कि जीत से चुनाव लड़ेंगे? और आप ये तो मैं आंसर करूंगा, ये नहीं करेंगे। चलो आप बता, ये आंसर तो मैं करूंगा कि हमने ये टिकट आदरणीय गुप्ता साहब को दी है। मैं चुनाव लड़ा था, मेरे से दुष्यंत जी की बातचीत हुई और इस परिवार के शामिल होने से ना केवल ये सीट हम जीतते हैं बल्कि जींद जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ता है। और ये ऐलान आप माने तय माने, बाकी ऐलान तो होता है जब टिकटें अनाउंस होती है, मगर मैं इस बात की अनाउंसमेंट आपके बीच में कर रहा हूँ कि वहाँ से महावीर जी ही चुनाव लड़ेंगे। अब तो हमारा एक ही उद्देश्य है, मेहरबानी थोड़ी देर में बात करके और जेजेपी की ताकत को बढ़ाना। देखो भैया बात बता दी, आप जो कुछ लिखो आपकी मर्जी, मैं कोई बात अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। मैं हरियाणा में क्या कर सकूंगा, जींद में क्या कर सकूंगा, करके दिखाएंगे आप करके। बस दिख जाएगा जो होगा ये मैंने, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कोई पार्टी हरियाणा में कोई नेता मेरे को कंडम नहीं कर सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कोई भी कितना ही बड़ा नेता किसी पार्टी का हो, कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता, मेरी कुर्बानी का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। हार तो मेरी भी हुई है, हार जीत की मैंने कोई परवाह नहीं करी, और इसलिए कह रहा हूँ ये चौधरी भजन लाल जी तो आपके साथ हैं, मेरे बहुत मित्र रहे हैं, और मैंने कह दिया उसको भी जिस दिन 2009 के नौ के चुनाव में मेरे खिलाफ उसने एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ, हुड्डा तो खिलाफत कर ही रहा उसने और कर दिया, अरे ऐसे आदमी वो कर दिया जब किसी पार्टी में कभी रहा नहीं था। मैंने कहा मुख पे कहा खड़े हो गए मैं भजनलाल तेरा आज से नाच शुरू हो गया, और उसी में मर गया उसी में मर गया। पूछ लेना आप, इस कुलदीप की हिम्मत नहीं पड़ सकती मेरे सामने आके आने की, हिम्मत नहीं पड़ सकती, बहुत कोशिश करता है हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैं कभी किसी से गद्दारी करता नहीं जिंदगी में, ये छोरे ने कह दिया ये विश्वास कर लो ना करवा लो ना खुआ लो, मैं गद्दारी नहीं करूँगा इनसे किसी किस्म का।